जब आपके यहां ब्राह्मण देवता जिमने के लिए आए तो वैसे ही जिमाए जैसे उनके पीछे देवता लगा है, वैसे ही जैसे आपके वो पितर थे जिनका आपके प्रति सम्मान था, वही भाव से आप उनको, क्योंकि इसमें तो ये तक लिखा है कि जब वो आए तो उनके हाथ पैर धुलाएं, प्रणाम करवाएं, उनको आसन दे। आसन कहां दें? जो भी आप आसन दें वो ऊन का होना चाहिए, या तो ऊन का हो या तो कुशा का हो, घास का हो, इस तरह का आसन हो। और जब वो भोजन करने बैठे तो उनका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में मुख करके अगर आप भी भोजन करेंगे तो आपको चार चीजें मिलती हैं। हर दिशा में भोजन करने का अपना दर्शन है, तो दक्षिण दिशा में भोजन करने से पितरों की तृप्ति होती है और उनसे बल मिलता है। अलग अलग दिशा का अपना अपना दर्शन है। दूसरा दर्शन, पंचमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा को, पंचमी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को या अमावस्या को पितरों के निमित्त आप दान जरूर निकालें। इनमें से कई में ना निकाल पाए तो एटलीस्ट अमावस्या के दिन तो आपको दान निकालना चाहिए। कैसा दान? सीधा कच्चा वाला, समझते हैं ना, पहले दादी नानी निकालती थी, हाँ कच्चा, पूरा कच्चा, सब्जी कच्ची, आटा और ये सारी चीजें, इस पर दक्षिणा रखें और उसके बाद किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में, मठ में, जहां भी आसपास वहां भिजवाएं जो आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाला है। घर में गीता का पाठ विशेषकर पितरों के लिए सातवां अध्याय होता है, पितरों के लिए सातवां अध्याय होता है, वो करा सकते हैं। मैं जैसे जैसे पॉइंट बता रहा हूं समझ लेना, समस्या बड़ी है तो पॉइंट बड़ा होता जाएगा, मतलब इसके बाद वाला पॉइंट और बड़ी समस्या के लिए है। पीपल की पूजा, उसमें मीठे जल का डालना, मीठे जल से अगर आप पीपल को सींचते हैं और उसमें तेल का दीपक लगाते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। हनुमान बाहु का पाठ पितरों के लिए बहुत अच्छा होता है। रुद्राभिषेक आदि भी आप करा सकते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन जब आपको लगे इन सबके बावजूद भी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही, तब आपके लिए अंतिम दर्शन है श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन, अर्थात पूरा का पूरा सप्ताह। किसके निमित्त? अपने कुल, अपने पितरों के निमित्त। इसके साथ साथ जब आप ये कराएं तो आपको साथ ही गौ माता, पक्षी आदि इत्यादि की सेवा भी निरंतर उन दिनों में करनी है, क्योंकि गौ साक्षात 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता स्वर्ग है।